देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज जयंती है। ये उनकी 79वीं जयंती है। तो उनके बेटे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस वक्त लद्दाख में मौजूद हैं। राहुल गांधी ने पेंगोंग झील के पास पिता को श्रद्धांजलि देने की सारी तैयारियां मुकम्मल कराई और उन्हें पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी। पिता को याद करते हुए राहुल ने कहा कि मेरे पिता मेरे टीचर हैं। बहुत साल पहले पापा यहाँ आए थे और उन्होंने मुझे कहा था कि पेंगोंग लेक उनके लिए दुनिया की सबसे सुंदर जगह है, तो मैं आना चाहता था। तो मैंने सोचा कि उनके जन्मदिन पे यहाँ अगर आ जाऊँ तो अच्छा होगा, इसलिए मैंने इसमें यहाँ आया। राहुल गांधी आज इमोशनल नजर आए और उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, पापा आपकी आंखों में भारत के लिए जो सपने थे इन अनमोल यादों से छलकते हैं। आपके निशान मेरा रास्ता है। हर हिंदुस्तानी के संघर्षों और सपनों को समझ रहा हूँ, भारत माँ की आवाज़ सुन रहा हूँ। राहुल इस वक्त लेह लद्दाख के दौरे पर हैं। माना जा रहा है कि वो यहाँ लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां करने आए हैं और कारगिल हिल काउंसिल चुनावों को लेकर यहाँ पहुँचे हुए हैं। जहाँ राहुल ने लद्दाख में पिता को याद किया, तो वहीं पूरा गांधी परिवार इस मौके पर उनके समाधि स्थल वीर भूमि पहुँचा हुआ था। यहाँ पर उनकी पत्नी सोनिया गांधी, बेटी प्रियंका गांधी, दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने उन्हें पुष्प अर्पित किए। इस मौके पर कांग्रेस के दिग्गज नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, महासचिव केसी वेणुगोपाल भी मौजूद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।